ओके तो हेलो दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है डैप इंडी गेमिंग में। और आज हम कोई गेम नहीं खेल रहे हैं, ये बहुत दिनों बाद, बहुत ही ज़्यादा दिनों बाद एक ट्यूटोरियल वीडियो बन रही है। और इसमें वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे गूगल क्रोम डायरेक्टली इनकोग्निटो मोड में स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि अगर आप नॉर्मल गूगल क्रोम का, जैसा कि आप आइकन देख सकते हैं, तो अगर मैं इसे स्टार्ट करूँ डबल क्लिक करके, तो ये हमारा मेन मोड में खुलता है। और अगर आपको इनकोग्निटो करना होता है तो आपको इस थ्री डॉट आइकन पर क्लिक करना होगा और यहाँ पे न्यू इनकोग्निटो विंडो करनी होगी। तो इसमें क्या होता है कि न्यू इनकोग्निटो विंडो खुल तो जाती है, प्लस एक बैकग्राउंड में नॉर्मल विंडो रह जाती है। तो अगर क्या करें कि अगर आपको सीधा डबल क्लिक करें और इनकोग्निटो खुल जाए, तो मैं जैसा कह रहा था कि अगर आपको डायरेक्ट इनकोग्निटो खोलना है, जैसे कि मैं इस आइकन पर क्लिक करता हूँ तो ये सीधा इनकोग्निटो मोड खोलता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसका नाम दे रखा है गूगल क्रोम इनकॉग्निटो। तो किसी वजह से आपको इनकॉग्निटो खोलना है कोई परचेज करने के लिए, क्योंकि अगर आप नॉर्मल अपने अकाउंट से खरीदते तो आपको उसी के ऐड आने लगते हैं या फिर प्राइस में थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। तो किसी वजह से अगर आपको इनकॉग्निटो खोलना है तो उसके लिए आपको मतलब इतनी हैसल नहीं करनी कि पहले इसे खोलिए, फिर यहाँ पर तीन आइकन पर क्लिक करिए, फिर इनकॉग्निटो मोड खोलें, इसे कट करें, सीधा इनकॉग्निटो खोलने के लिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ वो कैसे करना है। सबसे पहले मेन क्रोम के आइकन पर राइट क्लिक कीजिए और ओपन फाइल लोकेशन कर दीजिए, या आपको सीधा आई भी दबा सकते हैं। उसके बाद जो मेन क्रोम का ये एप्लीकेशन सिलेक्टर रहेगा, इस पर राइट क्लिक करें और सेंड टू डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट। तो यहाँ पर एक क्रोम का शॉर्टकट आ जाएगा, तो या तो आप इतना राइट क्लिक करके कर सकते हैं, या फिर आप एक ड्रैग क्लिक कर सकते हैं और सीधा क्रिएट शॉर्टकट हेयर कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देखते हैं, ओके, ये क्रोम की सी वाली डायरेक्टरी है तो यहाँ परमिशन नहीं है शॉर्टकट क्रिएट करने की। तो आप राइट क्लिक करके शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं सेंड टू से। तो उसके बाद ये शॉर्टकट क्रिएट करने के बाद सबसे पहले हम इसका रीनेम कर देते हैं सीधा क्रोम। और इसको अगर आपको डायरेक्टली इनकॉग्निटो खोलना है तो राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज में जाते हैं हम। ये अभी नॉर्मली है जैसा कि आप देख सकते हैं, मगर इस पर डबल क्लिक करूँ तो क्रोम खुलता है। इसको इनकॉग्निटो करने के लिए हम प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, जहाँ पर आपको ये दिखेगा टारगेट वाले सेक्शन में। यहाँ पर आपको exe और पोर्ट कोड वाले मार्क के आगे एक स्पेस डाल के एक ये लगाना है डैश, फिर लिखना है इनकॉग्निटो। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने लिख दिया है माइनस और इनकॉग्निटो या फिर डैश इनकॉग्निटो, अप्लाई कर दीजिए और ओके कर दीजिए। तो इसके बाद अगर आप इसे खोलेंगे तो ये सीधा इनकॉग्निटो में आपको खोल के दिखाएगा। जैसा कि आप देखते हैं यू हैव गॉन इनकॉग्निटो, जैसा कि मेरे इस वाले से दिखाता है ये। तो अगर आप सोच रहे हैं कि इसका आइकन अलग कैसे है, तो ये मैंने कस्टम आइकन लगा रखा है, जैसा कि आप देख सकते हैं कस्टम आइकन यहाँ पर होगा कहीं डाउनलोड में, ये रहा ये आइकन लगा हुआ है। तो ये आप नेट से कोई भी आइकन डाउनलोड करके लगा सकते हैं। तो ऐसे आप इनकॉग्निटो के लिए एक बना सकते हैं। इसका आप आइकन चेंज करने के लिए प्रॉपर्टीज़ में जा सकते हैं, चेंज आइकन, और सीधा यहाँ से आप आइकन भी चूज़ कर सकते हैं इनकॉग्निटो वाला, पर मैंने ये चेंज कर रखा है, मेरे को ये ज़्यादा सही लगता है। तो ऐसा आप इनकॉग्निटो डायरेक्टली खोल सकते हैं गूगल क्रोम में, या फिर एक आइकन बना के रख सकते हैं अगर आपको बार बार इनकॉग्निटो जल्दी खोलने की जरूरत पड़ती है। तो यही बताना था मुझे इस वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपके किसी के काम आई होगी। तो थैंक यू आप सभी का वीडियो देखने के लिए। वीडियो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और तब तक के लिए मैं आपसे फिर से मिलूंगा किसी गेम की लाइव स्ट्रीम या वीडियो में। वंदे मातरम।